अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर की जाए। तो सुबह नमाज पढ़ के वॉक पे गए, वॉक से आए हैं तो वापस में आई तो घर के बाहर ही हमारे अपने प्लांट्स हैं अंदर और बाहर। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबसे भी ये शेयर किए जाए। तो ये हमारे माशाल्लाह ऑर्गेनिक अपने फल और सब्जियां हैं। सब ये चीकू है, आम है, अनार है, अंगूर है, शैतूत हैं और अमरूद हैं, किन्नू होते हैं हमारे, और उसके अलावा हाँ जी ये हमारे फल हैं। और जो सब्जियां हैं उनमें लेमन, ग्रीन चिलीज और बैंगन, टमाटर, धनिया, पुदीना, ये हमारा माशाल्लाह अपने गार्डन का होता है। तो ये शैतूत हैं, सब शैतूत हैं ये, और अनार, ये जो है कुछ बनाना है यानी जो जिनका बीज नरम होता है सफेद वाले, और एक पौधा है जो जिसके दाने सुरख होते हैं यानी दोनों अनार लगे हुए हैं। और ये है लेमन। बस फिर हम घर आए और आकर फिर मैंने हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी और उनको नाश्ता करवाया, ऑफिस भेजा। भेजने के बाद फिर मैंने उनके नाश्ते के वक्त मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कैमरा ऑन करती और वीडियो वगैरह बनाती। उनको भेजने के बाद फिर मैंने तसल्ली से जो है वो अपना भी नाश्ता बनाया और खाने की भी तैयारी की। मेरे से सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी नाश्ता नहीं होता तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है नाश्ते के लिए। और फिर बस मैंने साथ ही खाना और नाश्ता जो है दोनों तैयार कर लिया। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा दोपहर चढ़ने से पहले जो है वो खाना भी रेडी हो जाए क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आज हम बना रहे थे भिंडी चिकन, तो चिकन डी फ्रोस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने जो है ना वो डायरेक्ट रख दिया कि जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी और करूँगी तब तक जो है ना ये आराम से खुलता रहेगा। अच्छा जी, पानी में मैंने प्याज और टमाटर और फ्रोज़न चिकन ये डाल के रख दी और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी फ्रोज़न है, घर में बनाया हुआ है और मैंने फ्रीज़ किया हुआ है तो ये भी निकाला। और उसके बाद लहसुन अदरक डालने के बाद सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और नमक मिर्च और हल्दी, ये सारी चीज़ें डालकर तो मैंने इसे ढक दिया ताकि ये जो है ना वो आराम से खुलता रहेगा चिकन जब तक मैं ना जो है ना वो नाश्ता भी कर लूँगी और बना भी लूँगी। अच्छा जी, इसको मिक्स करने के बाद फिर जो भिंडी थी और प्याज थे इसमें जाने थे वो मैंने उसकी कटिंग कर ली। और उसके बाद फिर जो है वो मैंने अपने नाश्ते की तैयारी की। नाश्ता जो है वो कोई फैंसी कोई नाश्ता नहीं था, सिंपल नाश्ता रखा, फ्राइड एग और साथ में एक टोस्ट और साथ में चाय एक कप। तो जब तक मैंने ये बनाया और खाया तब तक जो है वो चिकन भी खुल चुका हुआ था और चिकन गल भी चुका था। अब मुझे सिर्फ इसका पानी ड्राई करना था। मैंने थोड़ा सा पहले ज़्यादा पानी डाला था ताकि जो है वो उसमें ये खुल जाए चिकन। अब क्योंकि ये चिकन गल भी गया है और खुल भी गया है तो अब मैंने इसको ज़्यादा तेज़ आंच करके तो इसका पानी ड्राई कर लिया। अभी इसमें हमने कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, ना ही अभी इसकी भुनाई की है। अच्छा, भुनाई से पहले जो है वो मैंने दूसरी तरफ ऑयल रख कर उसमें जो भिंडी काटी है उसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ्राई करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा इसको काला नहीं कर लेना, यानी भिंडी का जो कलर है वो भिंडी का ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि उसको फ्राई कर करके उसकी जो है बेचारे की शक्ल ही ख़राब कर देनी है। और बस इतना फ्राई करें कि उसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। उसी ऑयल में जो है मैंने जो प्याज काटे थे उसको हमने फ्राई कर लेना है। और जो यहाँ ये वाला जो ऑयल है इसी को हमने जितनी ज़रूरत है वो चिकन में डालकर चिकन को भून लेना है। अभी क्योंकि चिकन की भुनाई नहीं हुई है, अभी वो सिर्फ गला हुआ है चिकन, और इसी में से मैं जो है वो थोड़ा सा ऑयल चिकन में डालूँगी और इसको भून लूँगी। चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें जो हमने फ्राई की थी भिंडी और प्याज, प्याज़ों को भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस उसको नरम करना है और वो हमने डाल के इसको मिक्स कर लेना है अच्छा सा। उसके बाद बस इसमें गार्निशिंग के लिए जो आपने चीज़ें डालनी हैं वो डाल देनी है। मैंने सब्ज़ मिर्चें और लेमन और सूखा धनिया, सब्ज़ धनिया वो डाल के तो इसको थोड़ी देर जो है वो अपने दम दे देना है, यानी बिल्कुल लो आंच पर ये थोड़ी देर पक जाए और उसके बाद जो है ये आपकी भिंडी बिल्कुल रेडी है। फिर बस जैसे ही खाने से फारिग होते हैं तो हाउस हेल्प आ जाती है
और उसके साथ कूटना पड़ता है। फिर बस उसके बाद मोहम्मद को बात किया, नहलाया धुलाया, चेंज किया, खाना खिलाया और उसके बाद फिर शाम हो गई। फिर मेरी कोशिश होती है कि स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चे का कम से कम हो, जितनी हो सके वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो। बेशक मोबाइल पकड़ा कर माएँ ज़रा थोड़ा ईजी हो जाती हैं, बच्चे ज़रा सुकून से बैठ जाते हैं, लेकिन ना वो सुकून वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जो है वो नुकसानदेह होता है। चलें जी, यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।